हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में जो लोग हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स उनको लेकर इस वक्त क्या है। फोकस पूरा अपने आपके पार्टनर पर रहेगा, ठीक है। हम देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबल क्या आ सकता है, उनके इंटेंशंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपको पता है आपको क्या करना है, फोकस पूरा लगाना है अपने पार्टनर पे, क्योंकि क्या होता है, जितना आप अपने पार्टनर पे फोकस्ड रहोगे, जो सवाल आप यूनिवर्स से उनके बारे में पूछना चाहते हो, यूनिवर्स आपको उन सवालों के जवाब रीडिंग के थ्रू देते हैं। वेट अ मिनट, माइक गिर गया। वीडियो को पहले लाइक कर दो गाइस। सो आपको फोकस रखना है पूरा अपने पर्सन पे। याद रखिएगा, गुस्से में या एंग्शियस होकर नहीं सोचना है, शांत दिमाग से सोचिए, ठीक है। चलिए शफल करते हैं एंड देखते हैं आपके जो पार्टनर है नो कांटेक्ट सिचुएशन में या फिर सेपरेशन में क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या महसूस हो रहा है उन्हें? तीन कार्ड्स चाहिए मुझे। आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं? ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का है। हाउ आर दे फीलिंग? ओके, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है। ओके, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि है जेमिनाई, लीब्रा और अक्वेरियस। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, और जेमिनाई, लीब्रा और अक्वेरियस भी है। स्पेसिफिकली यहाँ पे पाइसिस है, पाइसिस होता है हाई प्रीस्टेस। सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ओके, मुझे लगता है यहाँ पे आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। ओके, इस रिश्ते को लेकर जो भी चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, उसे लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या जो भी सोच रहे हैं बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है उनके अंदर कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही आपने ब्लॉक कर रखा हो, हज़ारों और रास्ते होते हैं ब्लॉक स्टॉक करने के, ठीक है। चाहे आप सोशल मीडिया पे भी ना हो, किसी ना किसी तरीके से दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। मुझे एनर्जेटिकली आप दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड दिख रहे हो, ठीक है। आप फील करते होंगे कि आप इस पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, तभी भी आपको इस पर्सन की याद आती है। एंड वाई डज दैट हैपन? आपने कभी देखा है, रियलाइज़ किया है, कई बार आप किसी से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, या उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हो, या उनके बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहे हो, तभी ही उनकी याद ज़्यादा आती है। तभी ही आपको अचानक से आप इमोशनल हो बैठते हो उस पर्सन के लिए, अचानक से रोने लगते हो, या फिर चिड़चिड़ होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। वाई डज दैट हैपन? यू नो, क्योंकि एक एनर्जेटिक कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, एक अटैचमेंट है, और वो पर्सन भी वहाँ से एनर्जी आपको दे रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है और जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स। चाहे इन्होंने खुद आपसे ब्रेकअप किया हो, नो कॉन्टैक्ट किया हो, बट दे डू लव यू। तो आप एक चीज़ के बारे में निश्चिंत हो जाइए कि उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए, देर इज़ नो डाउट इन दैट, ठीक है। दिल से प्यार करते हैं आपसे, एंड कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट के दौरान ना, ये पर्सन उन बातों को मिस कर रहे हैं, उन इमोशनल मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी, ठीक है। जो प्यार आपने दिया, जो केयर आपने करी उनकी, क्योंकि आप उनके लाइफ में चाहे आप
एक लड़की हो या लड़का हो, आपने हमेशा इस पर्सन को इतना पैम्पर किया है, इतना केयर की है इनकी, कि उनके पेरेंट्स ने भी इतनी केयर उनकी नहीं की होगी, ठीक है? उस लेवल का प्यार, उस लेवल की केयर आपने इस पर्सन की करी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं, ठीक है? और वो जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आपकी भी फीलिंग्स बड़ी स्ट्रांग है उनके लिए, दे नो दैट, ठीक है? दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है कि अभी तक अगर ये पर्सन जो भी डिसीजंस ले रहे थे या जो भी सोच रहे थे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, वो अगर प्रैक्टिकली था, मतलब दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते थे, अपने इमोशंस की नहीं सुनते थे, तो अब क्या हो रहा है, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इमोशंस की सुन रहे हैं, ठीक है? झांक रहे हैं अपने अंदर और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एक स्ट्रांग अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, स्पेशली जो लड़कियां यहाँ पे वीडियो देख रही है, आपके लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन इस पर्सन को फील हो रहा है, कह लो फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है? आपकी बॉडी, आपकी यू नो योर फेस, योर बॉडी, योर हेयर, योर एवरीथिंग, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील यू, ठीक है? मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना इस वक्त आप बहुत मिस्टेरियस से लग रहे हो। उनको लगता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप उन्हें पता ना चले इसकी पूरी केयर कर रहे हो, ठीक है? तो उन्हें आप एक मिस्ट्री की तरह लग रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो है जो आप अपने मन ही मन में रख रहे हो, ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे हो अपने आप को। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो हर जगह पे, ठीक है? तो दे डोंट नो, मतलब वो पूरी कोशिश तो करते हैं आपको स्टॉक करने की, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, ये खोना नहीं चाहते, दे नो हाउ ब्यूटिफुल यू आर, और कोई भी आपको छीनने की उनसे कोशिश कर सकता है, दे नो दैट। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ गई है नो कॉन्टैक्ट के दौरान। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको जो अल्टीमेट खुशी, अल्टीमेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपसे ही मिलता है, ठीक है? वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, फाइव ऑफ कप्स, चैरियट, डेथ, स्कॉर्पियो कैंसर और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, एंड बॉटम में टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मेरे पास सब कुछ था, इस पर्सन का प्यार था, इस पर्सन की केयर थी, इस पर्सन का अटेंशन था, मैंने 10 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स में सिचुएशन मैंने लाई, वो ही अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, ठीक है? जहाँ पे वो आपके साथ खुशी से रह सकते थे, आपके प्यार को फील कर सकते थे, आपके साथ बांट सकते थे अपनी लाइफ को, वहीं पे उन्होंने चूज़ किया अकेलेपन को खुद से ही, और अब वो पछता रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत सैड भी है आपके पर्सन, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। रोने का मतलब सिर्फ आंखों से आंसू आना ही रोना नहीं होता है, जब इंसान दिल से इतना ज़्यादा दर्द फील करता है ना कि उसकी कोई हद नहीं होती है, एक हार्ट ब्रेकिंग सी सिचुएशन वो फील कर रहे हैं लिटरली, तो उनका दिल रो रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो 10 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स में आ गए, मतलब एक फुलफिल रिलेशनशिप को ख़त्म करके उन्होंने अकेलापन चुना, ठीक है? दूसरी चीज़, ये आपको इतना स्टॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि व्हाट आर यू अप टू, क्या चाहते हो आप, आपका मूड कैसा है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आगे उनको क्या कदम उठाना चाहिए, वही चीज़ें वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, और उसी वजह से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है कि सारी सिचुएशन बहुत स्टक है, तो अचानक से आके तो वो कुछ यू नो अचानक से घुस गए आपके लाइफ में और कुछ बोलने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इससे पहले ये पर्सन थोड़ा प्लान कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ताकि सही समय पर सही कदम उठाए, बट उनका इंटेंशन तो क्लियर है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ओके? धीरे धीरे लेकिन ये पर्सन कदम बढ़ाते हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, ऐसा नहीं कि आज बोल सोच लिया कल कर लिया, ठीक है? दे टेक देयर टाइम। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है
कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है आपकी तरफ से, आपने इस रिश्ते को अब अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। ये उनकी थिंकिंग बता रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो क्या सोच रहे हैं, वो रीडिंग हम इसी ऊपर कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि आप ना कहीं उनसे दूर दूर होते जा रहे हो, आप उनसे इमोशनली फिजिकली कटते जा रहे हो दूर, और एक वो एक अधूरापन या कह लो एक दूरी आप दोनों के बीच में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड दे डोंट लाइक इट, उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है, ये दूरियाँ उन्हें खल रही हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रही है। दे आर कहीं ना कहीं वो इस दूरी, इस अंधेरे में जाते जा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते क्या है और हो कुछ और रहा है। हो भी सकता है कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप अब यू नो परेशान हो गए हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अपने अटैचमेंट को ख़त्म कर रहे हो। होता है, ऐसे सिचुएशन आती है जब प्यार भी होता है फिर भी छोड़ना ही एक रीज़न बन जाता है कि छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है। तो मे बी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जी एनी मोर, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को मे बी फील कर पा रहे हैं, और अगर आप नहीं भी ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो मे बी उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट दे वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से अगला कदम क्या आ सकता है, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जस्टिस है बॉटम में। तो लीब्रा जेमिनाई, लीब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सैगिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी और इनकी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर ये पर्सन कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, जिससे जिसके बाद ना आपके अंदर एक अश्योरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये बंदा अब कहीं नहीं जाएगा, ये अब रहने के लिए आया है और ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक उन्होंने खुद जो एक अकेलापन चुना, खुद रिश्ते से बाहर गए, खुद रिश्ते से ऑप्ट आउट किया इन्होंने, उसमें वो अब कम्प्लीशन लाना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अबाउट कम्प्लीशन, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में उनका 100% वो दे, चाहे फिर आउटकम कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट यू नो फटाक से हो जाना, इंटेंसिटी बढ़ जाना चीज़ों की, स्पीडी, यू नो। और ये मैसेज का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल कम्युनिकेशन रिसीव होगा, या उनको लेकर कोई चीज़ आपको पता चलेगी जो आपको हैप्पी करेगी, जो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दे विल कम्युनिकेट विथ यू, ये उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन आपसे खुद दूर गए थे, वैसे ही दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, ठीक है। एक आप एक मूवमेंट देखोगे, बदलाव देखोगे सिचुएशन में, चेंज देखोगे, ठीक है। एंड देर ओवरऑल आउट द ओवरऑल उनकी इंटेंशन है आपको जस्टिस देना, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं जो सच्चाई है अपनी वो आपको बताना, या इस रिश्ते के लिए जो सही है वो करना, आपके लिए और उनके लिए और इस रिश्ते के लिए जो सही है वो करना, क्योंकि उन्हें पता है दे हैव डन रॉन्ग टू यू, उन्होंने बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ, एंड दे नो इट। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या मैसेज या क्या एडवाइस है यूनिवर्स का, क्या जानना समझना ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त। थ्रोट चक्रा, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है या फिर ब्लॉक्ड है, तो हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। जब थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, तब इंसान अपनी बातों को क्लियरली सामने वाले के सामने रख नहीं पाता है, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है मन में बोलने की, बहुत सी चीज़ें पाइलअप हो जाती है जो बोलना ज़रूरी होता है, बट व्हेन द थ्रोट चक्रा इज़ नॉट ओपन या डिसबैलेंस है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ नामुमकिन हो जाती है। तो एक तो आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है क्योंकि अपराइट आया है कार्ड, या तो हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं, आप इंटरनेट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो थ्रोट चक्रा हीलिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपने दिल की बात क्लियरली इस पर्सन को बोलनी चाहिए, कोई भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको, कोई भी पर्दा नहीं रखना है बीच में, ठीक है? जो जैसा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो, से इट लाउड एंड क्लियर, ताकि इस पर्सन को समझे कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें बता नहीं रहे हो इस पर्सन को. नेक्स्ट जो मैसेज है वो है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस. तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ना भटके हुए हो. आप सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ ड्रीम कर रहे हो, सिर्फ चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई इस रिश्ते को लेकर कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रहे हो. यू आर जस्ट ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग. सोचने से कुछ नहीं होता है. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है? कोई डिसीजन आपको अगर लेना है तो उसके बारे में सिर्फ सोचते मत रहिए, अपने आप को कन्फ्यूज़ मत करिए. मिक्स्ड सिग्नल्स आप खुद को ही दे रहे हो, कन्फ्यूज़ कर रहे हो. कम आउट ऑफ दैट, ठीक है? एंड लास्ट, हील. आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है. जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है. आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है, जो आपको हर्ट कर रहा है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, ओके? तो कहीं ना कहीं स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हीलिंग. हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं. आप किसी प्रोफेशनल से अपने आप को हील करा सकते हो, या फिर उतने स्ट्रांग अगर आप मेंटली हो तो आप खुद को भी हील कर सकते हो, ठीक है? उतनी एनर्जिक आपकी पावरफुल होनी चाहिए. सो या देखिए, एक सिंपल बात बताती हूँ मैं आपको. हीलिंग के लिए सबसे पहले दो चीज़ें ज़रूरी है. माइंडफुलनेस, राइट हियर एंड राइट नाउ में जीना, प्रेजेंट में जीना, ठीक है? और दूसरी चीज़ है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हैप्पी एटीट्यूड, ठीक है? अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं, ट्रस्ट नहीं है आपका यूनिवर्स पे, एनर्जीज पे, तो हीलिंग कुछ काम नहीं आएगी आपके, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे है मेरे बॉक्स में कुछ मैसेजेस. सो इसमें से मैं रैंडम कुछ मैसेजेस निकालूंगी जो आपके लिए होंगे. ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए है स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन. तो कहीं ना कहीं आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, और वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है. कीप डूइंग इट, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे गुड न्यूज़. आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है लव लाइफ ही हो. कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता. मैंने आपको बोला आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर है आपके बारे में, ठीक है? दे डोंट वॉन्ट यू टू सी यू विद एनी वन एल्स, वेटिंग फॉर यू. मे बी आपके मैसेज कॉल का, या आपके उनके लाइफ में आने का, या आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव जाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं. आई एम बींग पुल टूवर्ड्स यू. तो कहीं ना कहीं कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है. रीयूनियन, काफ़ी लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है. नेक्स्ट है वेटिंग फॉर योर मैसेज. सी, मे बी आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है? विल यू मैरी मी? तो मे बी आपको पूछे, या मे बी उनकी इच्छा है आपसे शादी करने की. मोर मीटअप्स, तो बहुत जल्द आप दोनों के मुलाकातें होने वाली है एक दूसरे के साथ, या मुलाकातें बढ़ने वाली हैं. रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स. तो आप अपने लाइफ में जो भी एक अनहेल्दी अटैचमेंट है लोगों के साथ, अपने आप के साथ, उसको रिलीज कर रहे हो. डिवाइन इंटरवेंशन, तो कहीं ना कहीं डिवाइन पावर इंटरवीन कर रही है आपके कनेक्शन को ठीक करने के लिए. सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है. सो दैट वॉज इट. कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा. इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, लिंक नीचे है. सी यू नेक्स्ट वीडियो.